अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, क्या हाल चला फिर आप सबका। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वेलकम बैक हो गया आज के साले लोग में भी। अभी भाई मैं उधर उस जगह पे जो हमारे एरिया की मेरे ख्याल से सबसे यूनिक जगह होगी। काफी देर पहले मैं आया था इधर, काफी अर्से पहले। हमारे इलाके की मेरे ख्याल से जितनी भी मस्जिद है, मस्जिद का घर होता है, वो सभी कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी बनाने की, लेकिन ये जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी बड़े भी है और इधर एक मीनार भी है, ये देखो भाई वो बड़ा है। ये मैं नीचे खड़ा हूँ, ऊंचाई से आपको क्या दिखाऊँ, ऊपर चढ़ के भी मैं आपको ना एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ इसका। ये मेरे ख्याल से जो मीनार है पाकिस्तान ना, उससे सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल से बड़ा मीनार यही है, कुछ थोड़ा सा छोटा होगा। हाँ शोर आ रहा है पीछे, क्योंकि मैं मेन रोड के ऊपर ही है ये मस्जिद। इग्नोर मारना शोर को, तो खैर यार थोड़ा मसला होगा शोर की वजह से। मैं और ऐसा आए थे, मैं अकेला नहीं था। वो देखो भाई ऐसा नहीं घूम रहा है, ये देखो चक्कर लगा रहे, चौधरी होता है वो, चौधरी बैठ गया उधर। ये इधर मैं गार्डन में खड़ा हूँ ना, पहले तो आपको इसका थोड़ा सा व्यू कराता हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पता नहीं किस चीज का पौधा है। पौधे तो भर भर के लगे हैं भाई, बहुत ज्यादा पौधे हैं माशाल्लाह। पौधे लगने भी चाहिए, अच्छे लगते हैं ज्यादा पौधे। आबोहवा साफ हो जाती है वैसे भी इनकी वजह से। माशाल्लाह बहुत बड़ा मीनार है, लेकिन अंदर जा नहीं सकते यार, अभी लॉक है, असर के बाद ओपन होगा। तो लेकिन हमने असर से पहले ही चले जाना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, और कोई 15-20 किलोमीटर आगे जाना भी पड़ेगा, तो इस वजह से हम लेट हो सकते हैं। फिर कभी आपको दिखाऊंगा ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमाज का टाइम हुआ है जोहर का, तो वो आ रहा है सन भी, उसे लेता हूँ और चलते हैं नमाज पढ़ने। सबसे पहले तो नमाज पढ़ते, उसके बाद आपको सारा एक्सप्लोर कराता हूँ। तकरीबन घर से कोई 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। आपको ही दिखाने के लिए जो है ना इधर आया था। तो अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल होगी साथ उसे भी ऑलवेज ऐड कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और कॉमेंट भी कर देना साथ में। तो चलो अभी नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हुआ, मिलते हैं बाद में। जोश मिला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर, ये वीक नहीं आजादी है। मांगे से बला मिलती है कभी दे, जोश मिला फरियाद न कर। अभी नमाज मैंने पढ़ ली है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं देखें, और ये मैं आपको मस्जिद इधर से दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और ये वो मीनार है, ठीक है। अंदर खुतबा हो रहा था, एक घंटा बैठा हुआ था उधर, एक डेढ़ घंटा मैं तकरीबन उधर ही था, और उधर से अभी बाहर आया हूँ। तो मैंने आते साथ ही मैंने कहा चलो जो है ना इधर से थोड़ी सी आपको दिखा दूँ, विजिट करवा दूँ। जो अभी दिखाई ना आपको, इसके अंदर हूँ मैं अभी। ये इधर खाने का इंतज़ाम है पूरा, आप जो भी आएंगे इधर, बहुत बड़ी मस्जिद है यार, मैंने आपको बताया ना, जो भी आएगा वो पहले जैसे मेहमान आते हैं खाना खिलाया जाता है, बाद में जो भी होता है। तो ये देखिए अभी खाना कुछ खाया हुआ है लोगों ने, ठीक है, और खुतबा हो रहा है अंदर। मैं तो बाहर आ गया था घंटा डेढ़, मैं भी बैठा हूँ, बहुत घंटा डेढ़ होता, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें, काफ़ी अच्छे कॉल सुने हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कुरान महल है माशाल्लाह। ये जो आपको कुरान महल दिखाया ना, मैं अभी हूँ इसकी टॉप पे, छत पे हूँ। नीचे का व्यू दिखाता हूँ कैसा आता है, पूरी मस्जिद का कुछ आएगा, कुछ नहीं भी कैप्चर होगा तो वो आपको अलग से भी दिखा दूंगा मैं।
इधर जो ना मदरसा भी पढ़ाया जाता है, जो कुरान का दर्स लेते हैं सभी बच्चे इधर ही होते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे अभी इधर खड़े भी हैं जो पढ़ते हैं। इंट्रो जिधर से मैंने किया था वो तो उस जगह है उधर। ये देखो भाई इधर से जो व्यू आ रहा है ना, ये एंट्रेंस का है, ठीक है। उधर से एंट्रेंस आती है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी के, इधर से एंट्रेंस है इस मस्जिद की। दो दरवाजे हैं, एक तो उस साइड पे था जिधर मीनार है, सेकंड वाला ये। माशाल्लाह क्या बात है, वाइट फूल यार। ये इसकी सेकंड एंट्रेंस है इस मस्जिद की यार। ये मीनार देखो, ऊपर जा नहीं सकते। दिल तो बड़ा कर रहा था कि ऊपर से जो ना आपको नीचे व्यू दिखाया जाए कैसा आ रहा है, बहुत ऊंचाई है यार ये देखो। फिर कभी इंशाल्लाह आऊँगा, आपको पूरा ये एरिया आपको एक्सप्लोर ऊपर चढ़ के कराऊँगा मैं। लेकिन अभी निकलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। हसन भी रेडी है, ठीक है। मैंने इसे बोला था कि भाई खाना खा ले, कहता नहीं यार वीडियो बनाए, वीडियो बाद में मौका नहीं मिलना, खाना तो बाद में भी मिल जाएगा। इस वजह से जो ना खाना स्किप कराया, मुझे तो भूख नहीं लगी, मुझे इसने बताया भी नहीं भाई भूख लगी है मुझे। मैंने कहा सही है भाई, बल्ले बल्ले तेरी। तो चलो यार निकलते इधर से। तो यार आ गए थे उधर से काफी टाइम पहले, ठीक है। मैक्सिमम 20 किलोमीटर जो है ना बनता है इधर से उधर का। तो मैंने कहा कि आज जो है ना आपको मस्जिद आपको सारी मैं विजिट करवाऊँ, को अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप न्यू हो, और कमेंट में भी बता देना कि आपको कैसा लगा ये वाली वीडियो में। तो नेक्स्ट अच्छे से अच्छे व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।